दोस्तों यहाँ पर इंडिया में 1 मार्च को जो है वीवो V27 सीरीज जो है वो लॉन्च होने जा रहे हैं, और ये स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और वीवो की वी सीरीज बेसिकली हमें ऑफलाइन के अंदर ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वीवो V27 प्रो की जो है ना ऑफिशियल प्राइस जो है वो लीक यहाँ पर हो चुकी है, और इसकी प्री बुकिंग भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। वीवो V27 प्रो की प्राइस तो बताऊंगा, साथ में वीवो V27 5G के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे V27 5G में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम कंप्लीट लाइनअप के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और अपकमिंग स्मार्टफोन्स की न्यूज़ के लिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। Vivo V27 5G एंड Vivo V27 Pro के दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.78 इंच की जो है यहां पर फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलेगी, और ये नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले नहीं होगी, ये 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले यहां पर होने वाली है। और 120 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेश रेट भी यहां पर देखने को मिल जाएगी, और सेंटर पंच होल आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले काफी ज्यादा यहां पर बढ़िया रहने वाला है। बैक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको कलर चेंजिंग बैक यहां पर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा कूल लगता है और काफी सारे लोगों को ये पसंद आता है। ये दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर जो आपको कलर चेंजिंग बैक यहां पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। डिजाइन काफी ज्यादा यहां पर बढ़िया लगने वाला है, और आपको काफी ज्यादा डिजाइन ये पसंद भी आएगा। कैमरा सेट की अगर मैं बात करूं तो कैमरा भी काफी ज्यादा यहां पर इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और वीवो तो कैमरा में गेम खेलते ही है यहां पर। तो इसके अंदर दोनों स्मार्टफोन में सेम ही कैमरा के स्पेसिफिकेशन है। जी हां दोस्तों, यहां पर बैक कैमरा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 50 MP का सोनी IMX766 वाला सेंसर आपको देखने को मिलेगा विद OIS, ठीक है। 8 MP का अल्ट्रावाइड है, 2 MP का मैक्रो है, और फ्रंट में आपको 50 MP का यहां पर सेंसर देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, 50 MP की सेल्फी आपको फ्रंट में यहां पर देखने को मिलने वाली है दोनों स्मार्टफोन के अंदर। तो कैमरे काफी ज्यादा तगड़े रहेंगे, और वीवो के ऑप्टिमाइजेशन तो हम सब जानते हैं किस तरह की रहती है कैमरा के अंदर, तो कैमरा भी काफी ज्यादा यहां पर मस्त रहने वाली है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के यहां पर अदर फीचर्स के बारे में, प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर में ही दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस है। जी हां दोस्तों, यहां पर मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Dimensity 7200 नया प्रोसेसर यहां पर लॉन्च हो चुका है। जी हां दोस्तों, Dimensity 7200 वाला जो प्रोसेसर, यानी 7200 वाला जो प्रोसेसर है Dimensity की तरफ से आने वाला, वो Vivo V27 5G के तक यहां पर देखने को मिलेगा। और अभी कैसा होगा चिपसेट, बिल्कुल नया चिपसेट है यहां पर। अभी Vivo V27 5G जब लॉन्च होएगा ना, तब इसके ऊपर कई सारे वीडियो जाएंगे कि इसके अंदर परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। नया प्रोसेसर होगा, सब लोग इसको टेस्ट करना चाहेंगे एक बार, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रोसेसर, क्योंकि Snapdragon 7 Gen 1 या 7 Gen 2 के आसपास का आपको इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है Dimensity 7200 वाले में। ये Vivo V27 5G में ये वाला प्रोसेसर रहेगा। Vivo V27 Pro जो डिवाइस है उसके अंदर आपको MediaTek की तरफ से आने वाला यहाँ पर Dimensity 8200 वाला प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि हमें ऑलरेडी IQ Neo 7 के अंदर देखने को मिल चुका है ना, तो वही Dimensity 8200 वाला यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। जी दोस्तों, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों स्मार्टफोन्स के यहाँ पर जो फीचर्स वगैरह रहने वाले वो सारे सेम रहेंगे। UI की अगर मैं बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको FrontTouch OS 13 बेस्ड ऑन Android 13 के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जी दोस्तों, FrontTouch OS 13 होगा और Android 13 के ऊपर ये बेस्ड यहाँ पर रहने वाला है, जो कि काफी यहाँ पर बढ़िया है। और FrontTouch OS में जो फीचर्स मिलते हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के अदर फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है 3.5 का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट वगैरह मिल जाएगा, स्पीकर्स वगैरह यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। अब देखते हैं ड्यूल स्टीरियो स्पीकर रहता है कि सिंगल स्पीकर यहाँ पर रहता है, बट इस प्राइस में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स ही देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज कंफर्म करूँ, वो है बैटरी के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, और 67 वोल्ट की आपको फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोनों स्मार्टफोन के अंदर सिक्योरिटी के तौर पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया और काफी ज्यादा फास्ट रहता है। वीवो के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी ज्यादा यहाँ पर फास्ट रहते ही है, और कस्टमाइजेशन भी काफी सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं फिंगरप्रिंट के अंदर। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वीवो V27 5G के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर वीवो V27 5G के एक्सपेक्टेड जो प्राइस यहाँ पर बताई जा रही है इंडिया में बेस वेरियंट की, वो यहाँ पर आप सभी को जो है 30,000 यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दोस्तों 30,000 रुपये में आपको वीवो V27 5G देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। ऐसा होता तो काफी बैटरी यहाँ पर डील रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये स्मार्टफोन ऑफलाइन टारगेटेड यहाँ पर रहने वाला है, और जो स्पेसिफिकेशन बताए हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर मस्त लगते हैं। अगर 30-31 हज़ार में आ जाता है ना, तो थोड़ा एक अच्छा डील यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएगा, बट देखते हैं प्राइसिंग क्या रहती है। बट वीवो V27 Pro 5G की जो है ना ऑफिशियल प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है इंडिया के अंदर, और इसकी प्राइसिंग मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो कि कन्फर्म है। वीवो V27 Pro की जो इंडिया के अंदर प्राइसिंग रखी गई है ना, वो है यहाँ पर बेस वेरियंट की 8128 वाले की 37,999। जी हाँ दोस्तों, 38,000 रुपये का आपको जो है बेस वेरिएंट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और जो 8256 GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 40,000 रुपये में, और यहाँ पर जो है आप सभी को 12256 GB वाला जो वेरिएंट है ना, वो आपको 43,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है 43,000 में। तो बेस वेरिएंट 8128 वाला वीवो V27 Pro की प्राइस इंडिया में आपको 38,000 यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जो कि मुझे प्राइसिंग ठीक लगी यहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि आपको स्पेसिफिकेशंस बढ़िया दे रहे हैं, और ये ऑफलाइन सेंटर की स्मार्टफोन होने वाला है, तो
प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बट ऑफर्स वगैरह लगा के ये स्मार्टफोन आपको और भी कम दाम में मिल सकता है। और जो ऑफलाइन के अंदर जो वीवो के स्टोर्स वगैरह है वो तो आपको और अच्छे खासे प्राइस पे ये स्मार्टफोन दे सकते हैं। स्मार्टफोन यहाँ पर इंडिया में 1 मार्च को लॉन्च होने जा रहा है, तब तक आप वेट करिए। प्री बुकिंग कर रहे हैं तो आप लोग प्री बुकिंग वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है यहाँ पर। और बस इतना था इस वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद।